Assalamualaikum, मैं हूँ अहमद सज्जाद और मैं हूँ अहमद खोखर। तो आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। तो आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस इन इंडिया। तो देखेंगे यार टॉप 10 ऐसे हाउस देखेंगे जो एंड लेवल के होंगे, बहुत बहुत बड़े होंगे और बहुत बहुत महंगे होंगे। आज ये वाले हम घर देखने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर वो कहते हैं हम इसके रिएक्शन देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पापा कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, हर एक इंसान के जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है उनके सपनों का घर, यानी कि ड्रीम हाउस। सपनों का घर ऐसा होता है जिसमें इंसान के द्वारा कल्पना की गई सारी चीजें उपलब्ध होती है। आलीशान घर एक इंसान को खुशी देता है और उनको फील करवाता है कि उसने अपनी जिंदगी में काफी कुछ पा लिया। आपके सपनों का घर यानी कि ड्रीम हाउस बनाने में पापा कंस्ट्रक्शन हमेशा आपकी हेल्प करता रहेगा। अगर आपको अपना घर बनाने से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडिया की 10 सबसे महंगी और आलीशान घर के बारे में, जो कि इंडिया के सबसे रईस लोगों का ड्रीम हाउस है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके बताइए आपको सबसे अच्छा घर कौन सा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, स्काई मैंसन बेंगलुरु। इसे व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। ये एक पेंट हाउस है जो बेंगलुरु के यूबी सिटी में किंग फिशर टावर के टॉप फ्लोर पर बनाया गया है। इस अल्ट्रा लग्जरी मैंसन टाइप पेंट हाउस को विजय माल्या ने अपने लिए बनाया था, लेकिन 2016 में इस पेंट हाउस को कम्प्लीट होने से पहले ही विजय माल्या इंडिया से फरार हो गया और उसका ये ड्रीम हाउस ड्रीम ही रह गया। आइए देखते हैं विजय माल्या के इस ड्रीम होम की खासियत। लगभग 40,000 स्क्वायर फीट के इस पेंट हाउस के टॉप पर एक हेलीपैड बना है। पेंट हाउस के चारों ओर ओपन डेक बनाया गया है, साथ ही इसमें इन्फिनिटी स्विमिंग पूल भी है। ये एक हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर प्राइवेट विला है। इस विला के लिए 2 सेपरेट लिफ्ट है। 2016 में इसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए थी। नंबर 9, रतन टाटा हाउस मुंबई। साउथ मुंबई के कोलाबा एरिया में रतन टाटा का शानदार विला है। रतन टाटा देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। सी फेसिंग ये बंगला लगभग 13,350 स्क्वायर फीट में बना है। इस बंगले में जिम, मीडिया रूम, प्ले रूम और स्विमिंग पूल भी है। इसके अलावा एक खूबसूरत गार्डन भी बनाया गया है। इस शानदार विला की कीमत 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। नंबर 8, एसएल हाउस। एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा का बंगला दिल्ली के लुटियंस जोन में है। 2016 में इस बंगले को 300 करोड़ रुपए में खरीदा था। नंबर 7, मन्नत। मुंबई के बांद्रा में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का शानदार घर है मन्नत। इस सी फेसिंग बंगला का मार्केट प्राइस 300 करोड़ से ज़्यादा है। शाहरुख खान ने ये बंगला 2001 में खरीदा था और इसका नाम मन्नत रखा। 2005 में मन्नत में 6 फ्लोर का एक और बिल्डिंग बनाया गया। मन्नत मुंबई का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जहां सैकड़ों लोग डेली अपने फेवरेट सुपरस्टार का एक झलक देखने आते हैं। मन्नत में शाहरुख खान के ऑफिस और उनके घर के अलावा जिम, प्ले रूम, लाइब्रेरी, प्राइवेट बार और इंटरटेनमेंट एरिया भी है। नंबर 6, जाटिया हाउस। जाटिया हाउस मुंबई के मालाबार हिल एरिया में है। ये घर आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला का है। कुमार मंगलम बिरला ने इस बंगले को 2015 में 425 करोड़ रुपए में खरीदा था। लगभग 30,000 स्क्वायर फीट के इस बंगले के हरेक रूम से समंदर का खूबसूरत व्यू दिखता है। नंबर 5, गुलिटा। साउथ मुंबई के वर्ली एरिया का ये सी फेसिंग मेंशन आनंद पीरामल और ईशा अंबानी का नया घर है। आनंद पीरामल पीरामल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के दामाद हैं। लगभग 450 करोड़ रुपए के इस बंगले से सी लिंक ब्रिज और अरेबियन सी का खूबसूरत व्यू दिखता है। डायमंड के थीम पर बने इस बंगलों में स्विमिंग पूल, जिम, टेम्पल और 5 फ्लोर के इस बंगले के हरेक फ्लोर पर सेपरेट सर्वेंट क्वार्टर बना है। ये शानदार मेंशन 2018 में बनकर तैयार हुआ था। नंबर 4, लिंकन हाउस। साउथ मुंबई के पेडर रोड पर स्थित ये बंगला बिजनेसमैन साइरस पूनावाला का है। 2 एकड़ के कैंपस में बना ये शानदार हवेली की तरह दिखने वाला बंगला में 30 से ज़्यादा कमरे हैं। साइरस पूनावाला ने इस बंगला को 2015 में 750 करोड़ रुपए में खरीदा था।
इस शानदार बंगले को बीकानेर के राजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। नंबर 3 अबोध। अबोध अनिल अंबानी का घर है। 17 मंजिला ये लग्जरी बिल्डिंग मुंबई के पाली हिल एरिया में बना है। लगभग 16,000 स्क्वायर फीट के इस बिल्डिंग की मार्केट प्राइस लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। नंबर 2 जेके हाउस। जेके हाउस रेमंड के मालिक गौतम सिंघानिया का आसियाना है। जेके हाउस 37 मंजिला इमारत है जो मुकेश अंबानी की एंटीलिया की तरह दिखती है। लगभग 1 एकड़ में बने इस बिल्डिंग की मार्केट प्राइस 6,000 करोड़ से ज़्यादा है। इस लग्जरी मेंशन में गार्डन, गेस्ट हाउस, स्पा, म्यूजियम, एंटरटेनमेंट एरिया के साथ साथ छत पर हेलीपैड भी बना है। नंबर 1 एंटीलिया। एंटीलिया इंडिया ही नहीं वर्ल्ड का सबसे महंगा प्राइवेट घर है। ये घर इंडिया के सबसे अमीर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का है। 27 फ्लोर का ये शानदार घर 40,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जिसमें 168 कार पार्किंग, थिएटर, मंदिर, स्पा, टेरेस गार्डन, स्विमिंग पूल और 3 हेलीपैड बना है। इस बिल्डिंग को मैनेज करने के लिए 600 स्टाफ लगाया गया है। 5 फरवरी 2010 को इस बिल्डिंग की ओपनिंग हुई थी और इसके बनाने में लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुआ था, जिसका अभी मार्केट प्राइस लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर तो बताइए। मुझे भी था कि आप लोगों ने वीडियो देखी यार, इतने इतने प्यारे लग्जरी होम, उस कमाल का यार हो गया, एंड लेवल था यार। मुझे सबसे प्यारा पता है कौन सा लगा है? मुकेश अंबानी जो इंडिया का सबसे ज्यादा अमीर है, तो एक जो सबसे पहले नंबर में बिल्डिंग के ऊपर घर बने, वो मुझे सबसे ज्यादा यार प्यारा, मुझे खुद को सबसे ज्यादा प्यारा मुझे मुकेश अंबानी, उसके बाद जो बिल्डिंग के ऊपर होम बना था ना, वो जो पहले नंबर वाला था, वो मुझे सही लगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी वही अच्छे लगे होंगे, या सारे भी अच्छे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पैसे खर्च किए हैं, तो हम लोगों को बहुत बहुत अच्छा मजा आया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी, लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।